हम बात कर रहे हैं BHEL की, BEL की। आज के दिन की बात करें तो फिलहाल छोटी मोटी गिरावट स्टॉक में देखने के लिए मिल रही है। हम देख सकते हैं इस गिरावट के साथ BHEL जो है 300.40 पैसे पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है। गिरावट आई थी स्टॉक ने, लगातार गिरावट दिखाई थी। हमने डिस्कस किया था कि 300 मेजर सपोर्ट है, ब्रेक डाउन कर जाता है तो 280 का फॉल दिखा सकता है। 300 या 280 किसी भी एक लेवल के आसपास से स्टॉक बाउंस बैक दिखा सकता है, लेकिन 300 के लेवल का ब्रेक डाउन किया स्टॉक ने और 284-285 के लेवल से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई। यानी हमने 280 तक की गिरावट को डिस्कस किया था, उसी के आसपास से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई और इस बाउंस बैक के साथ देख सकते 305 तक का जम दिखाया। वहाँ से गिरावट आई, अगेन सपोर्ट लेकर बाउंस बैक हुआ, लेकिन सेम लेवल पर स्टॉक ने रिजेक्शन फेस किया है। अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर स्टॉक 300 का लेवल अगर ब्रेक डाउन कर जाता है तो वैसे कंडीशन में 298 और फिर 290 तक का भी फॉल स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन अब चांस बने हुए अपसाइड के। क्यों? क्योंकि इससे पहले देखिए गिरावट, जंप आया, हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ, रिजेक्शन लिया है और अपने सेम सपोर्ट से बाउंस बैक हो रहा है। इससे पहले जिस सपोर्ट से बाउंस बैक करके 325 तक के टारगेट दिखाए थे, स्टॉक ने सेम सपोर्ट को यहाँ रीटेस्ट किया है और रीटेस्ट करके स्टॉक जब भी बाउंस बैक होता है तो वैसी कंडीशन में हाईली चांसेस बनते हैं रिसेंट हाई के ब्रेकआउट के, तो इस हाई को स्टॉक ब्रेकआउट देता नज़र आ सकता है। अब नज़र रखना है इसी लेवल पर, इमीडिएट जो टारगेट है 305 का लेवल, इस लेवल को ब्रेकआउट कर गया तो 320 और फिर इस हाई के ब्रेकआउट के बाद 340 तक का भी जंप BHEL दिखा सकता है। तो 305 का लेवल ब्रेकआउट कर गया तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो मेजर रेजिस्टेंस फेस करेगा 320-325 के लेवल पर, और इस लेवल को ब्रेकआउट कर जाता है तो फिर उसके बाद 340 तक का भी जंप स्टॉक दिखा सकता है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, कोई बाय सेल या होल्ड की सलाह नहीं है। अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कर सकते हो।